हमारे पास है यूपीएससी, ये ठीक है। यूपीएस का मैंने कंपोनेंट निकाल लिया है, देख सक रहे हैं आप, मैंने इसको इसमें सेटअप किया है। यहाँ पे चार्जिंग का कनेक्शन है, यहाँ पे नीचे में चार्जिंग का कनेक्शन है, ऊपर में स्विच का कनेक्शन है। मैं अभी देखूँगा, इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ की देख सकते हैं आप, यहाँ की लाइट जल चुकी है, ये टिप हो गई। अब यहाँ से आप पावर ले सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, सॉरी सीपीयू चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, और अपने घर के बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं, टीवी वगैरह जैसे, इसमें से आप चला सकते हैं। इसमें से फ़ैन भी चला सकते हैं, बट फ़ैन करीब 10 से 12 मिनट चलता है। सीलिंग फ़ैन जो होता है 10 से 12 मिनट आपको बैटरी बैकअप दे देगा, लेकिन क्या है, बैटरी इसमें ख़राब होने की बहुत कम चांसेस रहती है, बहुत लेट बैटरी ख़राब होती है। बट आप इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे तो ये आपका बहुत लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। ये नॉर्मल जो इन्वर्टर रहता है उससे काफ़ी अच्छा ये माना जाता है। तो हम इसको अभी खोल के देखते हैं कि इसको मैंने कैसे सेटअप किया है, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो पे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और इसी टाइप से वीडियो देखना है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए। देख सकते हैं अब मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर लिया था, पहले मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, वरना ये करंट बहुत ही ज़्यादा मारता है। जो नॉर्मल घर पे एसी करंट आता है उससे बहुत ही हैवी करंट मारता है, मेरे को कई बार करंट मारा है इस चक्कर पे। आप ध्यान से इसको करिए अगर करते हैं तो। देख सकते हैं इसमें हमको काफ़ी सारे रिले मिलते हैं, यहाँ पे एक दो तीन चार, चार रिले मिलते हैं और खूब सारे कंडेंसर है। यहाँ पे चार देख सक रहे हैं आप, चार यहाँ आईसी मॉस्फेट वगैरह है, जो कि बहुत ही अच्छे से इसको काम करने में हेल्प करता है। मैंने ये अलग से ऐड किया था, ये जो चार्जिंग का सॉकेट है ये देख सकते हैं आप, चार्जिंग का उसमें अलग से एक केबल दे देता था, मैंने इसमें कोई केबल नहीं निकाला, इसमें मैंने चार्जिंग अलग से कनेक्ट कर दिया। ये चार्जिंग उसका जिसको लाइट लगा के चार्ज करते हैं, वैसा केबल ये मेरे पास है और यहाँ पे मैंने वो सॉकेट लगा दिया है। देख पा रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा काम करता है। यहाँ पे बज़र है, सेंसर है, बज़र है यहाँ पे, जिसकी मदद से आपको कभी भी लो बैटरी लो की होता है, इसका बैटरी लो होता है तो आपको यहाँ पे बीप मारना स्टार्ट कर देगा। टिन पहले तो धीरे धीरे बीप मारेगा, टिन यहाँ पे आप आवाज़ सुन ही सकते हैं, ऐसे बीप मारेगा, नॉर्मल में ऐसे बीप मारेगा। ये अभी चालू हो गया है, टूट टूट ऐसे नॉर्मल में बीप करेगा। और यहाँ पे जैसे आप पावर लेंगे, ओवरलोड हो जाएगा तो यहाँ पे दो तीन बार बीप मार के बंद हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि क्या होने वाला बैटरी के साथ। आप इसको प्लग के साथ लगाएंगे तो एक बार बीप मारेगा, इसका मतलब कि आपका सर्किट चार्ज होना चालू हो गया है। काफ़ी अच्छा इसको इन्वर्टर ही आप मान सकते हैं, इसको घर में यूज़ आप कर सकते हो। यहाँ पर आप जितने एम्पियर का बैटरी देंगे उतना ज़्यादा ये बैटरी बैकअप आपको निकाल के देगा। ऑटो कट सिस्टम है इसमें, बहुत ही अच्छा सेफ्टी सेफ्टी एक नंबर की चीज़ है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं घर में, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, ले सकते हैं। ये करीब आपको 2000 के आसपास मिल जाएगा। बाकी इसको घर पे कैसे बनाना है वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, तो वो वीडियो अगली वीडियो में आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी टाइप से वीडियो आपको मिल जा सके। अगर आपको इस टाइप से पसंद है देखना तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं 100%। इसको मैंने इसके ऊपर भी लगाया था, इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया था एक बार, और ट्रांसफार्मर के इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया था ये। मैंने इसको काफ़ी दिन तक ऐसे चलाया था, ऐसे करके भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। देख सकते स्पेस बहुत ही कम खाता है ये, एक मैंने इसमें सॉकेट निकाला है, इससे आप एक्सटेंशन के द्वारा कई सारे सॉकेट निकाल सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं ऐसे करके, ऐसे ये स्पेस बहुत ही कम मतलब कि लेगा, आप इस ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। मतलब छोटे इन्वर्टर के बोले तो बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा मानना है तो आप इसे ले सकते हैं आराम से, अच्छी चीज़ है ये।